खरगोन जिले में तीन तलाक के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को शहर कोतवाली में टेकड़ी मोहल्ला निवासी एक महिला ने पति पर उसके रंग को लेकर मारपीट करने के साथ ही एक बार में तीन तलाक कहकर घर से निकलने की शिकायत की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित सास ससुर जेठ जेठानी पर दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता आयशा ने बताया 10 जनवरी 2022 को उसका निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से टेकड़ी निवासी कासिम बेग से हुआ था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, वर्तमान में अपने भाई के साथ संजय नगर में रह रही हूँ। आयशा ने बताया शादी के बाद कुछ दिनों तक परिवार में अच्छा माहौल था, लेकिन अचानक व्यवहार में बदलाव आया और सास ससुर जेठ जेठानी मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पति कासिम भी मुझे कहता था कि तू काली है, मुझे पसंद नहीं, रोजाना मारपीट भी करते हैं। इससे परेशान होकर कुछ दिन में मायके संजय नगर चली गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम आयशा है। क्या हुआ था आपका? मेरे को ना मेरे घर वालों ने तलाक दे दिया, मेरे शौहर ने। मैं उनके घर गई थी 28 अगस्त को। वो मेरे को हर रोज धमकी देते थे, वो कि तू घर जा, तेरे घर जा, नहीं तो मैं तलाक दे दूंगा तेरे को। तो उन्होंने ये कहकर मुझे घर से निकाल दी और फिर मैं घर 4 महीने बाद मैं अपने घर गई। 3 महीने बाद, मतलब कि 30 मई को उन्होंने मुझे निकाल दी थी घर से कि अभी हमारी तबीयत खराब है, सांप ने काट लिया है, तो बाद में हम तेरे को बुला लेंगे। पर उन्होंने कुछ मैंने उनको खबरें भेजी कि मेरे को लेने आ जाओ या मेरे को बुला लो, तो उन्होंने किसी के हद भी ये खबर नहीं भेजी कि तू आ जा, बस यही कहते थे हर किसी को कि मैं तलाक दे दूंगा। तो ये धमकी सुन के मैं खुद चली गई। तो मैं गई ना तो उन्होंने सचमुच ही तलाक दे दिया। उनकी अम्मी जान ने बोला कि दे दो उनको, अभी तलाक दे दो। 3 बार तलाक बोल दिया और मेरे को मेरे रंग को लेके बहुत परेशान करते थे मेरे को कि तू काली है, तू पसंद नहीं है, तो अच्छी नहीं लगती, तो सामने मत आया कर। मेरी शादी को 8-9 महीने 9 महीना चल रही है। हाँ, 10 जनवरी को हुई थी मेरी शादी 2022 में। कहाँ रहते थे? मैं संजय नगर में, मेरे वालदेन संजय नगर के हैं। तो मैं घर मेरा मायका संजय नगर का है और मुझे टेकड़ी मोहल्ला मिली। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ होना। मेरी जिंदगी तो उन्होंने खराब करी थी। कासिम बेग मिर्जा कासिम से, वो उनका खेती बाड़ी है, दूध का काम करते थे, दूध वूध वगैरह बेचते थे। तो कब दिया आपको तलाक? 28 अगस्त इतवार का दिन था, मैं खुद चली गई थी। शिकायत करने आ रहा? शिकायत तो हमने करी थी, पर आज FIR हो। हाँ, FIR आज भी। क्या नाम है आपका? आयशा। कहाँ रहते हो? संजय नगर में। एक महिला है संजय नगर निवासी, जिसकी शादी टेकड़ी मोहल्ले कासिम बेग से हुई थी और शादी को 10 माह ही हुए थे। शादी के पश्चात उसको प्रताड़ित किया जाने लगा दहेज के लिए और मानसिक प्रताड़ना दी जाने लगी और उसको घर से निकाल दिया गया। और जब वो दोबारा घर गई तो उसको उसके पति ने, उसके सास ससुर जेठ जेठानी के कहने पर उसके पति ने उसे 3 तलाक दिया था, जिस पर से कि थाना कोतवाली पर दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिलाओं का विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उसमें जो विधिक प्रावधान अनुसार आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।